अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टेलरिंग क्लास 2। उसमें हम बनाएंगे बेबी नैपी यानी लंगोट। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल सके। फ्रेंड्स, एक फैब्रिक हमने लिया है, वो कॉटन का है। उसकी लेंथ हम लेंगे 12 इंच और इसकी विड्थ भी लेंगे हम 12 इंच। इसे अच्छे से चेक कर लेंगे। फ्रेंड्स, लेंथ हमने लिया है 12 इंच और विड्थ भी हम लेंगे 12 इंच। फ्रेंड्स, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, इसे हम बराबर से मार्क कर लेंगे 12 इंच पे और फिर जो एक्स्ट्रा है फ्रेंड्स इसको कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने 12 इंच पे बराबर से मार्क करके इसे अच्छे से कट कर लिया है। अभी ये पूरा स्क्वायर में है 12 इंच पे। अभी इसे हमें ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना है, तिरछे में। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे अभी हमें इसके लिए पट्टियाँ कट करनी है। तो ये पट्टी हमने ली है 2 इंच की और लंबाई ली है हमने 10 इंच। चौड़ाई में 2 इंच लिए फ्रेंड्स और लंबाई में 10 इंच। ऐसे हमें दो पट्टी कट कर लेना है। फ्रेंड्स, ये पट्टी हमने स्ट्रेट कपड़े में कट की है। ऐसे हमें और एक पट्टी लेना है, उसकी लेंथ हमें लेना है 5 इंच और उसकी चौड़ाई लेना है हमें 2 इंच और लंबाई हमें लेना है 5 इंच। ये भी फ्रेंड्स हमारी स्ट्रेट पट्टी है, सीधी पट्टी। फ्रेंड्स, अभी हमने इसे रॉन्ग साइड में ट्रायंगल शेप में ऐसे फोल्ड कर लिया है और जो हमने 10 इंच की लंबाई में जो 10 इंच की पट्टी है उसे हमें ऐसे डबल फोल्ड करना है। देखिए ऐसे, और यहाँ पर कॉर्नर में सिलाई मिलने से हमें दोनों पट्टियों में कर लेना है। एक बार ऐसे मोड़ लेना है, दूसरी बार ऐसे, उसके ऊपर एक बार ऐसे और किनारे से सिलाई मार लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सिलाई मार ली है। अभी जो हमने 2 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई में जो पट्टी ली है उसे भी हमें ऐसे ही करना है। देखिए फ्रेंड्स, 2 इंच लंबाई, 2 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई, ये भी स्ट्रेट पट्टी है फ्रेंड्स। ऐसे हमें इसे एक बार फोल्ड करना है, दूसरी बार भी, और उसके ऊपर एक बार और, फिर यहाँ से कॉर्नर से सिलाई मार ली। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई मार ली है। अभी जो हमने ट्राइंगल में जो कपड़ा फोल्ड किया है उसके अंदर हमें ये पट्टियाँ अंदर रखना है फ्रेंड्स, अंदर के लिए, अंदर के साइड में। एक ये कॉर्नर में रखूँगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पट्टी हमारी अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं निकलना चाहिए फ्रेंड्स। और जो ये हमने छोटी पट्टी बनाई है इसे हम इस कॉर्नर पर रखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स को ऑफिस से ट्रायंगल में कर लेंगे। फिर हमें यहाँ से हमें सिलाई मार लेना है पूरी, यहाँ से सिलाई मार लेना है और थोड़ा सा हमें यहाँ पर ओपन रखना है फ्रेंड्स। और फिर ये पट्टी पे भी हमने इसे सिलाई मार के थोड़ा सा खुला मार रखना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई मार ली और थोड़ा सा ओपन रखा है। अब इसे मैं राइट साइड में टर्न कर लूँगी। ऐसे हमें सीधे साइड में इसे पलट लेना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे पलट लिया और हमारी जो पट्टी अंदर थी वो भी बाहर आ गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ओपन है इस पर भी हमें सिलाई मार लेना है। फ्रेंड्स, ये हमने जो नैपी बनाई है बेबी लंगोट, ये 0 to 3 month बेबी के लिए है। अब फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, thank you for watching my video. Allah Hafiz. Even you can follow me on Instagram. Link in description box. Bye bye. See you in next video.